So completely Villa ke taraf aa rahe hain, and wahan pe I guess we'll get to see a Seoul versus Team Queso fight. और ये फाइट इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज ये फाइट डिसाइड करेगी कैसे यहाँ से आगे गेम प्ले बनता है. मॉर्टल आगे आप देख सकते हो मोर्चा संभाल कर बैठे हैं, यहाँ पर मार्को आगे मूव करना चाहते हैं. मार्को इसमें बढ़ते एक ग्रेनेड कर चुके हैं मॉर्टल रस्ते में. क्या ये ग्रेनेड किसी और के ऊपर जाएगा? अभी के लिए तो कुछ नहीं हो पाया. एंड क्लच गॉड ने भी एक जंप ग्रेनेड किया, डैमेज दिया इस ग्रेनेड ने बहुत प्यारा. तो देखना पड़ेगा यहाँ से गेम कैसे जाता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट हो सकता है यहाँ पे टीम कैसो वर्सेस सोल के बीच. वहाँ पे रेगटोस खेलने की कोशिश, वहाँ पे टीम कैसो के मिस्टेक गाड़ी निकाल लिया, मतलब बैकअप करना चाहते हैं. क्लच गॉड का बहुत ही प्यारा नेट था, वो जंप एंड थ्रो का नेट था, बट यहाँ पे टीम कैसो थोड़ा रोटेट करे. बट पीछे से टीम कैसो टेस्ट से थर्ड पार्टी हो सकती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर पीछे टेस्ट भी आ रही है, आरआरक्यू भी आ रही है. टेस्ट वैसे आरआरक्यू की फाइट हमें बैकड्रॉप पे देखने को मिल रही है. टीम कैसो के आयला यहाँ पे एसएलआर पे स्विच किया, आई डोंट सी अ रीजन. एंड वहां पे आरआरक्यू के अर्नी ने टेस्ट के केकेएसआर को नॉक किया, अर्नी ने वहां पे केकेएसआर को फिनिश ऑफ किया. एंड यहाँ पे एक मॉली जिससे समहाउ मार्को बचा हुआ है फॉर नाउ. अभी के लिए बहुत ज्यादा बटन ग्रेनेड की वर्षा अभी भी खत्म नहीं हो रही है. एंड यहाँ पर टीम कैसो के लिए दिक्कतें बढ़ सकते हैं. क्लच गॉड का एक ग्रेनेड क्या एक क्लच कर सकता है? पूरा का पूरा आगे मिस्टेक जा चुके हैं, मोर्चा संभाल लिया. एंड यहाँ से टीम कैसो को यू नो खदेड़ा जा रहा है, बिकॉज ये फाइट उनके अगेंस्ट जा रही है पूरी पूरी. वो आए थे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बट देन उनके लिए दिक्कतें बढ़ चुकी है. दो प्लेयर्स बच जाते हैं यहाँ पे. रिगल टॉस अगर आगे पुश करते हैं, आगे मूव करते हैं, तो मार्को के यहाँ पर हमें क्रेट देखने को मिल सकती है. पूरी की पूरी टीम कैसो दिक्कत में आ सकती है, बिकॉज दो प्लेयर्स ऊपर है, दो प्लेयर्स नीचे है. ये फाइट टीम कैसो के हक में बिल्कुल नहीं आ रही है. पर मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे सोल को पुश करने में बहुत दिक्कत होगी. टीम कैसो के दो प्लेयर जो बैक ऑफ किए हैं, उन लोग बहुत प्यारा फील्डिंग लगा के रखे हैं, बहुत अच्छा कवर फायर देने के पोजीशन में है. वहाँ मार्को टीपीपी ले रहे हैं, काफी अच्छे स्पॉट में है. सोल के प्लेयर्स को केयरफुल रहना, को ओपन में नहीं जाने के लिए. मार्को के पास बहुत ही प्यारा टीपीपी एडवांटेज है, ये उन पे बैक स्टेप हो सकता है. जोन कंप्लीटली सोल के फेवर में, टीम कैसो के फेवर में और यूनिक के फेवर में. यहाँ से बच के निकलना किसी भी टीम के लिए बहुत डिफिकल्ट होना है. मैटर ऑफ लक हो गया, थर्ड पार्टी होने की हाई प्रोबेबिलिटी. जितनी बड़ी कंपाउंड सोल होल्ड करके रखे वहाँ पे थर्ड पार्टी होने की हाई प्रोबेबिलिटी है. यहाँ पे मीनवाइल आरआरक्यू, C9 और ईजीसी और केएस चारों जन एज ऑफ द जोन में फंस गए. यूडो की टीम अंदर जाने की कोशिश कर रही है, पीछे से इल्यूमिनेट आ रही है. बीटीआर की टीम भी सोल पे पुश करते हुए, एंड विला पे पूरा एक मैच सिचुएशन हो गया. काफी सारे टीम्स वहाँ पे आ चुके हैं, एंड हमें देखना होगा कि किस तरह पे ये फाइट अनफोल्ड होती है. वहाँ पे यूनिक की टीम गेट कीप कर रहे हैं इल्यूमिनेट के लिए. मीनवाइल वहाँ पे मेगा के स्टोन ने यूनिकॉर्न गेमिंग के होचियोंग को नॉक एंड फिनिश किया. मेगा के पॉन ने यूनिकॉर्न गेमिंग के पोको को फिनिश किया. 4v4 की फाइट है, यूनिकॉर्न के होंग यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए. एंड मेगा के ऑनलाइन 24 नॉक्ड है, स्टोन पीछे से आ रहे हैं उनको नॉक करने के, फिनिश करने के लिए. बहुत ही बेहतरीन तरीके से 4v4 का फाइट इन लोग अपने लिए सिक्योर करते हुए. स्मोक्स आ रहे हैं बाहर. वहां पे इल्यूमिनेट के प्लेयर ने मिस्टर जोनो ने एक बहुत ही प्यारा नेट किया जोना ने, बट देन वो नेट कनेक्ट नहीं हुआ, वॉल के इस तरफ रह गया. का सिक्स सर्कल 42 लोग अलाइव है. इससे ज्यादा आपको डेस्परेशन, इससे ज्यादा इस मैप की जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, कि हर टीम को अपॉर्चुनिटी दिया कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग होनी पड़ती है. आई थिंक वीकेंडी इज द बेस्ट मैप फॉर टीपीपी. ये रेंगल को डेफिनेटली रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इसमें टीपीपी का गेम प्ले का आपको आर्ट को समझना होगा इफ यू वॉन्ट टू गेट दैट चिकन डिनर. वीकेंडी इज अ गेम ऑफ आर्ट, एंड वो चीज आपने बिल्कुल सही कहा. एंड यहाँ पर विला पे दिवाली हो रही है ग्रेनेड्स की, और उसके बाद स्मोक्स हो रखे हैं आसपास. जस्ट इमेजिन अगर जोन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, इमेजिन कितने टीम को बाहर निकलना पड़ेगा, कितने टीम्स को जाना पड़ेगा. मेरे को लगता है कुछ शॉट्स ही एलिमिनेट हो चुके. यस, केएसबी भी डाउन हो चुके थे, अकेले प्लेयर बचे थे. मेगा पॉइंट्स डाउन हो चुके हैं वहां पे. बीटीआर मैकवा, बीटीआर वर्सेस मेगा जो प्रीलिम्स से फाइट होनी शुरू हुई थी, वो यहां पर फाइट अभी भी चल रही है. इल्यूमिनेट द मर्डर फाइट ले रही है यूनिक के साथ, ग्रेनेड्स ही चल रहे हैं अभी भी. यूडो की स्क्वाड आ चुकी है, एंड वहां पर बीटीआर और मेगा दोनों, यहां पर तीन टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट ले रही हैं. एंड विला के ऊपर तो एक दिवाली हो रही है, जो कि मैं कह रहा था टीम को इसने वहां पर C9 के अगेंस्ट फाइट लेनी शुरू कर दी. इल्यूमिनेट ने टीक्यू के एक प्लेयर को डाउन किया. टीक्यू यहां पर दो दो जगह थर्ड पार्टी चल रही है. बहुत ही अलग एंड बहुत ही डिफरेंट नजारा देखने को मिल रहा है. बट देन जैसे ही अगले 15 सेकंड में नया जोन बनेगा, वो जोन अगले 15 सेकंड में पूरा का पूरा दिक्कतें दे सकता है. एंड मेरे ख्याल से बहुत टीम्स को मूव करना पड़ेगा. एंड यूनिक अभी के लिए पेशेंस का गेम प्ले खेल रहे, इल्यूमिनेट पेशेंस का गेम प्ले, बिकॉज उनको हर तरफ देखना है. स्मोक्स अपने आसपास कर दिए, काफी सही है. सोल की स्क्वाड बची हुई है, मिडल ऑफ द विला है, बट उनके पीछे जो टीम क्वेश्चन के मार्को अकेले है, वो दिक्कत उनको दे सकते हैं. C9 का प्लेयर एक तरफ, वो भी दिक्कत दे सकता है. बट मेरे को लगता है यहां से सोल विल कम आउट स्ट्रॉन्गर. बिल्कुल सही कहा आपने. यहां पे C9 के पायरा जो है यू नो होल्ड कर रहे हैं अपने टीम के लिए. अकेले दो ही बंदे बचे, दो ही किल निकाल चुके हैं लोग अपने टीम के लिए, तो इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है. पर जोन की अगर बात करें, क्या मतलब 36 लोग ओशन यहाँ से के लिए चिकन डिनर निकालना, आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट. जो टीम इस गेम में चिकन डिनर निकाल लेती है, चाहे उनके पास जोन एडवांटेज था नहीं था मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो टीम इस टूर्नामेंट में, मैं बोल रहा हूँ आप देख लीजिएगा,
अभी दावे से बोल सकता हूँ वो टीम इस टूर्नामेंट में बहुत आगे जाएगी, बिकॉज यहाँ पे होल्ड पेशेंस आपको ओवर कमिट नहीं करना है, ये चीज बहुत मैटर करता है, बट हमें देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मीनवाइल आर आर ने ईजीसी को कंप्लीटली एलिमिनेट किया, हम आ चुके हैं 33 प्लेयर 10 टीम एंड यहाँ पे G9 यू नो टैप करके मिस्टिक को पिकअप करना चाह रहे हैं। G9 ने वहाँ पे मिस्टिक को नॉक किया, नॉक नहीं किया, G9 आरआरक्यू काफी अच्छा खेल लिया, 8 किल अपने खाते में लिख चुके हैं, विच इज नॉट अ जोक। बिल्कुल आपने सही बात बताई है, एंड यही चीज आपने जो विकेंडी के बारे में बता रही है इस मैप की खूबसूरती, वहां पर लक्ष्य ने डाउन किया M24 का हेडशॉट देकर ARW के लिए दिक्कतें पड़ रही है, बिकॉज एक तरफ RRQ एक तरफ BTR कहां पे बच के जाएगी, क्योंकि हर तरफ से इनको पड़ रही है मार, दिक्कत हो सकती है इनके अगेंस्ट, एंड विला के एकदम एज पर फाइट्स ले रही है टीम। अब इसके बाद जोन से भी टीम डाउन होने वाली है, एंड इल्यूमिनेट ने फाइट लेना शुरू कर दिया, लेकिन पूरी की पूरी इल्यूमिनेट खत्म होती है। यूनिक ने एक यूनिक गेम प्ले दिखाया, 10th पोजीशन पर इल्यूमिनेट एलिमिनेट होती हुई, क्या प्यारा गेम प्ले था यूनिक का, ये होती है यूनिकनेस जो उनके नाम में थी, उनके गेम प्ले में थी। Yes, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे हमें फाइट देखने को मिल रहा है आरआरक्यू की टीम जो जोन के बाहर से पुशिंग करना चाहेंगे उनके सामने बीटीआर की टीम आ चुकी है, उनके पीछे यूडो की टीम है, यूडो के गिक ने यहाँ पे मेगा के स्टोन को नॉक किया, एंड लक्सी ने यहाँ पे एक नेट करके यू नो शायद यूडो के दोनों प्लेयर्स को नॉक फिनिश करेंगे ऑब्वियसली, एंड नीचे एक प्लेयर है जो नेट कुक कर रहा है यूडो के ड्रैक्स रैक्स पर, वो शायद ही कुछ कर पाएंगे। मीनवाइल सोल के क्लच गॉड ने यहाँ पे G9 को नॉक किया, आरआरक्यू वर्सेस सोल, वहाँ पे ARW के क्रेजी गोइन ने अर्नी को पिक ऑफ किया, क्लच गॉड वहाँ पे G9 का किल सिक्योर करते हुए सर्वाइवल के लिए, यहाँ पे चिकन डिनर बात की बात है, पर यहाँ पे जो एक एक मूवमेंट करना इंच इंच मूव करना काफी डिफिकल्ट हो चुका है। यूट के रैक्स वहाँ पे मेगा के ऑनलाइन 24 को स्पॉट कर चुके हैं, ऑनलाइन 24 वहाँ पे पीक लेते हुए, यहाँ पे अगर आप लाइव स्टैंडिंग्स की बात करो तो वहाँ पे BTR स्टिल ऑन टॉप विद 44 पॉइंट्स, आर क्योंकि 8 किलों को 9वें पोजिशन पे ले जाते हैं, 9वें पोजिशन पे 20 पॉइंट्स के साथ BTR के प्लेयर्स वो दोनों किल लेने के लिए बहुत ज्यादा उतारू होकर रखे हैं, उनको वो किल्स चाहिए। और यहाँ पे मेगा वर्सेस यूट रैक्स पर मेगा ऑनलाइन 24 के पास हल्की सी हेल्थ एडवांटेज थी, पर हेल्थ एडवांटेज खत्म, यहाँ पे BTR ने स्पॉट किया, उनको फिनिश किया, हम आ चुके हैं 7 टीम 20 प्लेयर सोल के सामने, टीम कैसे की पूरी टीम है, सोल वर्सेस टीम कैसे होने की बहुत चांसेस है। यहां पे रेगल्टस क्लच गॉड मुझे दिख रहे हैं, वाइपर मुझे दिख नहीं रहा, वहां पे सातवें नंबर पे आरआरक्यू एलिमिनेट होते हुए हम आ चुके हैं 6 टीम 19 प्लेयर्स, सोल यहां पे 2 किल, टीम कैसे 4 किल, BTR 5, यूनिक 4, ARW 2 और C9 2, यहां पे टीम कैसे के तीनों प्लेयर्स मार्को एक्सेल और आयला होल्ड कर रहे हैं, क्लच गॉड वहां पे अकेले अपना कमान संभाल रहा है, वाइपर यहां पे स्मोक्स करते हुए खुद को सिक्योर करना चाहेंगे, एंड वहां पे मीनवाइल ARW के क्रेजी गोय ने जक्सी को कार बस में फिनिश ऑफ किया। यहां पर BTR के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी थी, बट देन ऑन दी अदर हैंड मैकॉय ने वहां पर एक और प्लेयर डाउन किया, ARW फाइट लेने के लिए पूरा पूरा तैयार हो चुकी है, BTR जो कि विकेंडी के अंदर अनकंटेस्टेड रहती है उनके सामने कोई और टीम नहीं आ पाती, वो दिक्कतों में आती है। क्लच गॉड आप देख सकते हो टीबी भी ले रहे हैं, बिकॉज TQ की स्क्वाड आगे आना चाहती है, क्लच गॉड का टीबी का गेम प्ले, एंड इसके बाद देखना पड़ेगा कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग होती है। यस, यहां पे सोल की टीम बहुत ही प्यारे तरीके से होल्ड कर रही है, इन लोग सबसे सिक्योर स्पॉट पे, इनके चौथा प्लेयर वहां पे लापिस ने नेट से 2 प्लेयर्स के BTR को नॉक किया, मैकबॉय अकेला बचा है, 3v1 सिचुएशन है BTR के मैकबॉय के लिए, यहां पे क्या लैपिस उनको अच्छा लैपिस पहले फिनिश ऑफ करना चाहेंगे, 17 प्लेयर्स अभी बचे हैं, 6 टीम्स मतलब एवरेज में हर टीम के पास 1.9 प्लेयर्स वाले, 2 प्लेयर ऑलमोस्ट 3 प्लेयर ऑलमोस्ट हर टीम के पास है, 2 पॉइंट उसके ऊपर का एवरेज है। यहां पे BTR की टीम एलिमिनेट होते हुए हम आ चुके हैं टॉप 5 में, सोल 4 मैन के साथ सर्वाइव करी है, टीम कैसो 4 बंदों के साथ सर्वाइव कर रहा है, यूनिक की टीम 3 मैन 4v4v3v3v1 का सिचुएशन है, यहां पे टीम कैसो पुश करेगी सोल के ऊपर, वहां पे यूनिक के रॉज ने नॉक किया, ARW के लैपिस को यूनिक के याशा ने नॉक किया, यू नो क्रेजी गोय ने नॉक किया याशा को, ट्रेड काफी अच्छा चल रहा है, सोल वर्सेस टीम कैसो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। क्लच गॉड को पता है टीम कैसो के प्लेयर्स वहां पे होल्ड कर रहे हैं, क्लच गॉड यहां पे फाइट लेना चाहेगा, बट आई गेस यहां पे थोड़ा सा माहौल इंटेंस हो गया टीम कैसो के लिए, क्लच गॉड यहां पे हिट्स ले रहे हैं, पीछे से रेगल्टोस अगर आके पूरी स्क्वाड वाइप कर देता है क्योंकि बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद बाकी के जो 2 टीम है उन लोग ऑलरेडी एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, यूनिक के रोज यहां पे प्रोन्ड है, एंड यहां पे C9 पायरा ने उसको पिक ऑफ किया, C9 पायरा अपने टीम के लिए अकेले बचे हैं, यहां पे यूनिक थर्ड पार्टी हो रही है, टीम कैसो वर्सेस सोल सबकी नजरें इस पे है, मेरी नजर इस पे है, ओशन तेरा नजर इस पे है, मुझे पता है ये फाइट से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या सोल यहां पे ये फाइट अगर ले जाती है ये चिकन डिनर उनके लिए कोई नहीं रोक सकता, पर टीम कैसो के तीनों प्लेयर्स एक साथ घूम रहे हैं, सोल स्प्लिट ना करे, पुश करे तो चारों एक साथ करे, एंड एक इजी स्क्वाड वाइप और एक बहुत ही बेहतरीन शानदार चिकन डिनर हो सकता है
क्योंकि मुझे इस सिचुएशन में लग रहा है सारे प्लेयर्स बाहर की तरफ स्प्रेड आउट है, सबको कंपाउंड के अंदर आना होगा। सो आई गेस इस सिचुएशन में इस जो भी टीम कैसे सोल में फाइट जीतता है उनके पास एडवांटेज आएगा। मीनवाइल क्लच गॉड पीछे से आके आयला को नॉक ऑफ करते हुए, एंड यहां पे टीम कैसे के मार्को और एक्सेल घबरा रहे हैं, घबराने की बात है, सामने है टीम सोल, टीम कैसे का मिस्टेक वहां पे एआरडब्ल्यू के ऊपर को नॉक करते हुए टीम एआर यहां पे आउट होते हुए हम आ चुके हैं टॉप फोर में। मिस्टेक पास के ले चुके हैं क्लच गॉड आते हुए 1v3 करते हुए, एंड यहां पे सो क्या बेहतरीन प्ले हमें देखने को मिला क्लच गॉड की तरफ से, एंड वहां पे क्लच गॉड शायद नॉक हो जाएगा क्योंकि उनको जोन के अंदर भागना है। क्लच गॉड यहां पे नॉक हो चुके हैं प्ले जोन से, सी9 के पायरा वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यहां पे वाइपर नॉक्ड है, मॉर्टल काफी लो ऑन हेल्थ है, रेगल्टोस अकेले अपनी टीम के लिए बचा। ये गेम मुझे थोड़ा चेंज होते हुए दिख रही है, क्लच गॉड वहां पे फिनिश होते हुए टीम कैसे के मिस्टिक काफी अच्छे पोजीशन में है, सी9 के पायरा सर्वाइव कर रहे हैं, रेगल्टोस ने वहां पे फिनिश ऑफ किया। अब इट्स अ 1v1 सिचुएशन, मॉर्टल बार हिल बैटल करना चाह रहे हैं, रेगल्टोस यहां पे 10 HP मूव इन कर रहे हैं मिस्टिक पे, पर रेगल्टोस यहां पे नॉक होते हुए एंड मिस्टिक यहां पे इट्स अ 1v1v1 सिचुएशन। यूनिक ओल्ड बॉय यहां पे हिल बैटल कर रहे हैं, एंड वहां पे सोल हिल बैटल कर रहा है, मॉर्टल हिल बैटल कर रहे हैं, एंड टीम कैसो के प्लेयर भी यहां पे हिल बैटल करते हुए, एंड यहां पे गेम खत्म हुआ। मुझे नहीं पता कौन जीता है, एंड यहां पे सोल कमिंग अप विद अ चकदेट चिकन डिनर इन द थर्ड गेम ऑफ डे 1, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड। उनके चेहरे में खुशी देखे, वहां है माथुर, रेगल्टोस, वाइपर और क्लच गॉड कमिंग अप विद एन अमेजिंग चिकन डिनर, क्या बेहतरीन हील बैटल, एंड ये खुशी ये कॉन्फिडेंस देखे इनकी आंखों में, ये इनको पता कितना मोटिवेट करेगा डे 1 के तीसरे गेम में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट गेम से चिकन डिनर लेते हुए। अमेजिंग क्रेजी बताओ ये गोरी हम के बॉस कबरा धूरी में तो ही जाता कि